नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज डॉट इन और मैं हूं जिज्ञासा। और पिछले कई दिनों से हम आपको एक मामले की अपडेट दे रहे हैं जिसमें एयर होस्टेस और अवधेश नारायण सिंह के बेटों पे जो मामला हुआ था उसके बारे में, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के बेटों पे जो आरोप लगाया था एयर होस्टेस ने छेड़खानी और मारपीट के मामले का, उसमें अब एक बहुत ही नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। क्या कुछ हुआ है आगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक वीडियो जिसमें हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा ने बातचीत की है अवधेश नारायण सिंह से। आइए देखें वीडियो और जानते हैं क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। लाइव सिटीज ने एयर होस्टेस से मारपीट के मामले का जो खुलासा किया था उसमें एक नया और तेज मोड़ आया है। वो मोड़ ये है कि वो एयर होस्टेस खुद से चलकर अवधेश नारायण सिंह के घर पे उनसे मिलने के लिए आई थी। क्यों आई थी वो लड़की अवधेश नारायण सिंह से मिलने के लिए, जानेंगे हम लाइव सिटीज पे खुद अवधेश नारायण सिंह से। अवधेश जी, स्वागत है फिर से एक बार आपका लाइव सिटीज पे। थैंक यू, नमस्कार। अचानक बहुत तेजी से ये नया डेवलपमेंट, वो लड़की खुद चलकर आपसे मिलने के लिए आती है, क्या था मामला? देखिए, ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से टीवी में, मीडिया में, ये सब सोशल मीडिया में सब चल रहा है, तो मेरा व्यवहार, मेरी बात को सुन करके वो कहीं प्रभावित हुई होगी। जैसे बेटी बेटी मैंने कहा, आपसे भी लिया था तो मैंने हाँ, कहा कि, मेरे पुराने इंटरव्यू में बोला था हाँ कि बेटी की तरह है और हम जानते नहीं हैं, दोनों को बुला के देखेंगे। मेरा रोल गार्जियन का रोल होगा और होना भी चाहिए। जिस तरह से पद के हमने उसे सुभित किया, उस तरह से हर सटे किसी पर मैंने लड़का के फेवर में बोल दें चाहे लड़की के विरोध में बोल दें, ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा कि ये और वो लड़की है इसलिए बेटी की तरह है, उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो उसके चरित्र पर होगा, उसको शादी करनी है, उसको बहुत सा आगे जीवन में बढ़ना है। तो इससे प्रभावित वो कहीं ना कहीं देखी आपके और मेरे इंटरव्यू को। हाँ, आपके और मेरे इंटरव्यू में उसमें हम बोले थे, तो उससे बोले कि भाई भाई उससे हम प्रभावित होकर के हमको लगा बेटी बोल रहे हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, और उसके चलते आकर के मेरे पास वो आई और आकर के बोली कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी उफी भी मांगी बेचारी, जो वो आपसे माफ़ी मांगी है। हम माफ़ी मांगी है और ई में हम कही भैया हम ही माफ़ी मांगते हैं, तुम कहे मांगते हो, अब तो आजकल का युग है कि लड़कों से ही माफ़ी मांगा जाता है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन थोड़ा टॉर्चर हम भी हुए हैं, तुमको टॉर्चर हम नहीं जानते हैं कितना हुए, लेकिन टॉर्चर हम ज़्यादा हुए। अवधेश नारायण सिंह का लड़का, अवधेश नारायण सिंह का लड़का, अवधेश नारायण सिंह का, मेरा ही मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। अच्छा, आप ही का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। हमने ये सब ऐसा करने से, अवधेश नारायण सिंह का, अवधेश नारायण सिंह का, लड़के एडल्ट हैं, इनकम टैक्स पे ही है, अपना आइडेंटिटी है, और उसका जब धन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसी का, उसी से पूछेगा। इस बात का बुरा मानने का नहीं है सर, अगर अवधेश नारायण सिंह के बेटे सिविल सर्विसेज निकालते हैं, आईआईटी निकालते हैं, कुछ बढ़िया काम करते हैं तो हमेशा नाम पिता का ही होगा, अगर वो कुछ बुरा भी करेंगे तो नाम पिता का ही आएगा साथ में, तो इसको अदरवाइज लेने का नहीं है सर। अदरवाइज हम नहीं लेते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, तो ये है कि मतलब जो कुछ हुआ है तो नाम तो आएगा, मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है जी, वही हम भी कहना चाह रहे हैं। और इसका ये भी होता है जैसे, अच्छा जैसे बड़ा मेरा बेटा है इंटरव्यू के लिए गया ई में गोल्फ क्लब के, तो सबका आधा आधा घंटा इंटरव्यू हो रहा था और वहाँ जो जज बैठे तो सर, थे वो जो सुन लीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उनका उसका पाँच मिनट में कहकर ठीक है जाओ, किसके नाम लड़के हो तो अवधेश नाम से, ठीक है जाओ, तो आके हम पर लड़का बिगड़ गया कि आप लोगों का ये है पॉलिटिकल इमेज है, देखिए हमसे कोई इंटरव्यू खाली इतना ही पूछे, और दूसरे दिन देखे कि उसका सिलेक्शन हुआ है, तो जो वहाँ चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब से हम पूछे कि क्या बात है, तो बोले कि आपका लड़का है तो कम से कम आपका स्वभाव तो होगा ही, तो उसमें हम लोगों का यही है कि कोई लफुआ आदमी नहीं आना चाहिए, आपका लड़का है तो लफुआ कम से कम नहीं होगा, इतना हम है इसलिए सिलेक्शन हुआ। तो वो एयर होस्टेस आपसे मिलने के लिए आई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वही टीवी में आप देख रहे हैं ना, वो आई तो बतियाई, बात की हम, कहीं कि भाई क्या ये है, तकलीफ है ये है, तो बोले कि अब मैं इस चीज़ को आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। अच्छा, उस लड़की ने स्वयं आपको बोला कि इस केस को वो आगे नहीं ले जाना चाहती? टीवी पर भी देखिए क्या वही बोली है, उस केस को आगे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम वो FIR वापस नहीं लेंगे, अपना FIR। अच्छा, वो FIR वापस नहीं लेगी? नहीं लेगी, ऐसा बोली उसने बोली, तो हम कहें कि जब ये है, जब हो रहा है, जरा बात हो रही है, जो दोस्त कभी रहे हो तुम लोग ही है, फिर अगर हम आए हैं और गार्जियन का रोल है, तुम भी कहते हो कि पिता हैं, हमसे माफ़ी भी मांगती हो, तो इसको और थोड़ा शांत हो जाओ, छोड़ो, और फिर तुम लोग एक दोस्त की तरह रहो, हाथ मिलाओ,
हम बुला देते हैं लड़कों को भी, तुमसे मिल लो, उनसे ही हुआ। और मिलने के बाद फिर अपना तुम लोग जैसे अपना रास्ता अलग तो अलग, अपने ऐसे ऐसे दोस्ती चले तो बहुत बड़ा, लेकिन एक पारिवारिक संबंध तो आज हो ही गया। जब पिता तुम हमको बोली, पढ़ चुके, प्रणाम की, हमने आशीर्वाद दिया, तो ये ऐसा नहीं कि आज दिखाने के लिए हुआ कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसी पर हुई। कब लड़कों से मुलाकात भी हुई। अच्छा, आपके दोनों लड़कों से उस लड़की की मुलाकात भी हुई? मुलाकात भी हुई, हमने मुलाकात भी कराया, दोनों को बात भी कराया। तो इसलिए अब लगता है कि लड़के कहाँ हैं? लड़के आज गांव गए हैं पूजा करने। अच्छा अच्छा, पूजा करने गए हैं। अच्छा अच्छा, तो हम गांव में मंदिर, 5 मंदिर स्थापित किए हैं, इसलिए अब गए वहाँ पर। सर, कुल मिलाकर मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि वो लड़की आपके पास आई, उसने भी आपसे माफ़ी मांगी, आपने भी उसको माफ़ किया, और आपने भी उससे माफ़ी मांगी। हाँ, हमने किया भी, लड़कों से भी कहा कि भाई हाथ मिलाओ, माफ़ी, और गलती है। मैंने दोनों तरफ से करीब करीब हमको सेटिस्फेक्शन है कि दोनों तरफ से ये बातें हुई। चलते चलते आखिरी सवाल सर, उस लड़की ने मुझसे ही बात करते हुए कुछ और भी अन्य आरोप आप पर लगाए हैं, इनमें क्या सत्यता है? क्या है जैसे कुछ खास, कुछ भी और बहुत सारे उटपटांग आरोप जो लगे हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं क्या आरोप। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अवधेश नारायण सिंह लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वो लड़की स्वयं चल करके इनसे मिलने के लिए आई, उसने भी इनसे माफ़ी मांगी, इन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी, और दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना। ये थी लाइव सिटीज की स्पेशल रिपोर्ट। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए livecities.in पे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे के अपडेट्स का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। नमस्कार।